हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक्सपेंड एजुकेशन। देखो अभी केवीएस का एग्जाम होने वाला है, टीजीटी पीजीटी जो मैथ है उसके टॉपिक में आप लोगों को कुछ करवाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों की एग्जाम के अंदर हेल्प हो सके। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है सर्ड इंडिसेस और फैक्टर का। तो इसके क्वेश्चन देखने में आपको ये लग रहा है कि ईजी है, लेकिन जब आप इनको सोल्व करते हो तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है ये देखो आप सब। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ एक्स माइनस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री, तो हमें बताना है कि एक्स हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका हमारे पास क्या है कि आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे करना है, आपको एलसीएम लेके सोल्व नहीं करना बल्कि ऑप्शन से आप लोगों को जाना है। ठीक है, ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखो ये हमारे पास दे रखा है, ऑप्शन हम सबसे पहले उठा लेते हैं। मान लो एक्स की वैल्यू हमने क्या उठा ली, यही उठा ली ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट करो आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस में ए अपॉन में क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस में यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस में सी माइनस का बी अपॉन में सी प्लस का ए प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस का सी अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस का ए कैंसिल हो गया, बी माइनस का बी कैंसिल हो गया और सी माइनस का सी हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, बी प्लस का सी अपॉन बी प्लस का सी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस का सी अपॉन में ए प्लस का सी। सिमिलरली यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास कैंसिल होके क्या आ जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दर्क है, एसी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वन बाय एक्स प्लस वन बाय जेड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है, इनको हम क्या करेंगे, किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमने पहले क्या कर लिया, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू के, बी की पावर वाई इज इक्वल टू के और सी की पावर जेड इज इक्वल टू के। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर 1 बाय एक्स आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू k की पावर 1 बाय एक्स। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर 1 बाय वाई। यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k की पावर 1 बाय जेड। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वल दे रखे थे, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, और एक चीज क्या दे रखे, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू में ए सी, तो बी का स्क्वेयर करो आप, गिवन जो चीज है उसका यूज करो। बी हमारे पास ये दे रखा है, के की पावर वन अपॉन वाई इसका स्क्वेयर करोगे इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, के की पावर वन बाई एक्स इंटू सी, ए की पावर क्या है, वन बाई जेड। ठीक है, ये हमारे पास होगा के की पावर टू अपॉन में वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, वन बाई एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, वन बाई जेड। तो यहाँ से बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो टू की पावर वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, वन बाई एक्स प्लस में वन बाय जेड। और हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, देखो वन बाय एक्स प्लस वन बाय जेड की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारे पास क्या आ गई, टू अपॉन वाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप्स के क्वेश्चन है जो सर्ड और इंडिसेस का जो चैप्टर है ये आपका केवीएस का, इसके अंदर आते हैं। अब इनके कुछ और क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों को इसके जो फॉर्मूलाज है, बेसिक फॉर्मूलाज, वो बता देती हूँ। देखो देखो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है हमारे पास, वो फॉर्मूलाज हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए की पावर एम इंटू एन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर एम एन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के जो फॉर्मूलाज हैं कुछ, वो हमारे पास गिवन है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, जो हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, ये है, और हमारे पास क्या हो सकता है, ये हो गया। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या दे दे, इस तरीके से दे दे, ए की पावर यहाँ पे हमारे पास दे दे पी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर वन बाई पी हो जाएगा। ठीक है, या इस टाइप से दे दे हमारे पास ए की पावर पी और पूरे के स्क्वायर रूट के बाहर हमारे पास क्या दे दे क्यू,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, की पावर पी बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो वो आप लोगों के यूज होंगे इस चैप्टर के अंदर, जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करवा देती हूँ। देखो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। देखो नेक्स्ट हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, a बाई बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू बी बाई की पावर क्या दे रखा है, x माइनस का 3। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, a बाई बी की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो a बाई बी की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में x माइनस का 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि x पावर माइनस वन, वन हमारे पास क्या होता है, वन बाई एक्स के इक्वल होता है, तो इसको पलट देंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो a बाई बी की पावर x माइनस का 1 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, a बाई बी की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से, 3 माइनस का x। अब बे सेम है, इनको इक्वल रख देंगे तो x माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 माइनस का x, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो केवीएस के अंदर आ सकते हैं टीजीटी एग्जाम्स के अंदर। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं और जो वीडियो है और चैप्टर से रिलेटेड वो आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। ओके, आज के लिए सिर्फ डेमो दे रही हूँ, बाकी का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।